أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصرين ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन मोहतरम, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की नसीहत के हमारे प्रोग्राम्स में से ये तीसरा प्रोग्राम है कि हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हुए आ रहे हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने नसीहत फरमाई अपने असहाब को। पहली नसीहत और दूसरी नसीहत हम आपकी खिदमत में अर्ज़ किए और ये हमारी तीसरी नसीहत है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, मोमिन का चेहरा हमेशा हशाश और बशाश होना चाहिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, मोमिन का चेहरा हशाश और बशाश होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, और इसके मद्दे मुकाबिल गैज़ो गज़ब वाला चेहरा होना नहीं चाहिए। उसका गैज़ो गज़ब वाला चेहरे के लिए मौला ने मना किया है। मोमिन वो हो ही नहीं सकता कि जिसका चेहरा गैज़ो गज़ब वाला होता है। मोमिन का चेहरा हशाश बशाश होता है। वो जब बात करता है तो मुस्कुरा के बात करता है, जब वो बात करता है तो खंदा पेशानी से बात करता है। इमाम ने फरमाया, जब तुम किसी से गुफ्तगू करो तो बात करो तो मुस्कुरा के बात करो, जब तुम मुस्कुरा के बात करोगे तो वो तुम्हें पसंद करने लगेगा और वो सामने वाला खुश हो जाएगा। और इमाम ने फरमाया, जो मोमिन को खुश करता है खुदावंद आलम नेकियां लिख देता है उसके लिए, और जिसके लिए नेकियां लिख देता है तो खुदा उसके ऊपर अजाब नहीं करता। तो ज़रा सोचें, मालूम हो रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो कि हमें अजाब इलाही ना हो तो ज़रूरी है कि जब हम किसी से बात करें या मुलाकात करें या गुफ्तगू करें तो हमारा चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए, हम मुस्कुरा कर बात करें, खंदा पेशानी के साथ बात करें। आप हमारे अइम्मा मासूमीन के ज़िंदगी का जब आप एक सरसरी मुतालिया भी करते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि जब भी वो बात करते थे मुस्कुरा के बात करते थे। और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें मिलता है कि कभी भी आपका चेहरा गैज़ो गज़ब वाला नहीं हुआ। जब बात करते थे तो मुस्कुरा के बात करते थे, बच्चों से बात करते हैं तो भी मुस्कुरा के बात करते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि आइम्मा मासूमीन हमारे लिए एक नमूने अमल हैं, हम उनको आइडियल माने, जब भी हम बात करें तो मुस्कुरा के बात करें। मेरे नौजवान भाई, जब आप अपने माँ बाप के सामने जाएं मुस्कुरा कर बात करें, आपका मुस्कुराना आपके वालिदैन की खुशी का सबब बनेगा, वो खुश हो जाएंगे, उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी जब आप उनसे मुस्कुरा कर बात करेंगे। और जब माँ बाप बच्चों से गुफ्तगू करें तो वो मुस्कुरा कर बच्चों से बात करें, इसलिए कि आप बच्चों के लिए नमूना होते हैं, आप आइडियल होते हैं। जब आप बात करते हैं मुस्कुरा कर बात करते हैं तो बच्चे भी मुस्कुराकर बात करना सीखते हैं, जब वो दोस्तों से मुलाकात करते हैं तो मुस्कुराकर बात करते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए कि मोमिन की अलामतों में से यही है कि मोमिन का चेहरा हशाश और बशाश होता है, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा होता है, चाहे मुसीबत आ जाए तब भी उसका चेहरा मुस्कुराहट यानी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आप देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है, जैसे जैसे मुसीबतें बढ़ती गई इमाम की, इमाम का चेहरा हशाश और बशाश होने लगा है। क्यों? इमाम जानते हैं ये मुसीबतें एक मकसद के तहत हैं। इमाम का चेहरा मुस्कुरा यानी इमाम जब बात करते थे तो मुस्कुरा कर, अपने असहाब से बात करते थे तो मुस्कुरा कर, और जब असहाब भी जब आकर बात करते थे तो मुस्कुरा कर बात करते थे। इसलिए कि हम चाहने वालों की आदत व अतवार को देखते हैं तो हमारे डायरेक्ट लोग हमारे पेशवा और रहबर की तरफ देखते हैं कि जब ये बात करता है, जब चाहने वाले के बात करने का ऐसा अंदाज़ है तो फिर उसके रहबर का और उसके इमाम का कितना मुस्कुराता चेहरा हुआ होगा।
तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज ही आप अहद करें कि जब भी किसी से बात करेंगे तो मुस्कुरा कर बात करेंगे। इंशाल्लाह कि हम इमाम की इस नसीहत को अमल में लाएंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे, हमें उम्मीद है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।